हमने पहले पढ़ा है कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। इसके विपरीत हम कह सकते हैं कि विस्थापन बराबर वेग गुणा समय। पिछले वीडियो में दिए गए ग्राफ से अब हम समयावधि T1 और T2 के बीच तय की गई दूरी का पता करेंगे। पहले चरण में बिंदु T1 और T2 से y अक्ष के समानांतर रेखाएं बनाएं। दूसरे चरण में इन रेखाओं के ग्राफ के साथ प्रतिच्छेद कर रहे बिंदु को 1 और 2 मान लें। तीसरे चरण में बिंदु 1 और बिंदु 2 से x अक्ष के समानांतर रेखाएं बनाएं। इन रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को V1 और V2 मान ले। यहां हम देखेंगे V1 बराबर V2 के है। यह एक समान गति का उदाहरण है, इसलिए हम देखेंगे कि V1 बराबर V2 बराबर 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट है। अब विस्थापन बराबर वेग गुणा समय, यानी 0.5 किलोमीटर प्रति मिनट गुणा T2 माइनस T1, जो कि आयत ABCD के क्षेत्र के बराबर है। इस स्थिति में आयत का क्षेत्र हमें विस्थापन का परिमाण देगा। अतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि VT ग्राफ के अंदर का क्षेत्र हमें वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का माप देता है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लें।